आज है बड़ी ग्यारस यानी कि एकादशी, जिसे हम देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। मैं हूँ अभिलाषा दुबे, स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस YouTube चैनल पर और आज की इस वीडियो पर। आज मैं आप सभी को दिखाने जा रही हूँ हमारे जबलपुर की ग्यारस के दिन लगने वाली मड़ई, जिसे हम लोग मेला भी कहते हैं। देव प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी ग्यारस के दिन ही कहा जाता है कि भगवान चार माह के शयन के पश्चात जागते हैं, तो इसी दिन से सारे विवाह और सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। और इन कार्यों की शुरुआत सबसे पहले तुलसी शालिग्राम के विवाह के साथ होती है। कहते हैं कि इस दिन तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह करने से सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं और भगवान हमें मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। तो हमारे यहाँ पर भी इस अवसर पर मेला लगता है, जिसे हम लोग मड़ई कहते हैं। तो ये जो मड़ई आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जो बच्चों के खेल खिलौने रहते हैं और जो मेले में चीज़ें रहते हैं। यूं तो जबलपुर में सामान खरीदने के लिए दुकानों की कमी नहीं है, बट एक अलग ही उमंग रहती है इस मड़ई को घूमने की। पता नहीं क्यों इसे देखने के लिए मन फिर से बच्चा बन जाता है। तो आइए हम आपको अपने यहाँ की मड़ई दिखाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सारे गन्ने हैं। आज के दिन जो तुलसी जी का विवाह किया जाता है, उनमें इन गन्नों का विशेष महत्व होता है। इन्हीं गन्नों से उस विवाह का मंडप बनाया जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पर बहुत सारे भगवान जी की मूर्तियाँ, बच्चों के खिलौने, मिट्टी के खिलौने खासकर यहाँ पर आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। उन मिट्टी के खिलौने से अलग ही यादें जुड़ी रहती हैं। यहाँ पर गुल्लक और बहुत सारे खाने पीने के सामान, छोटे छोटे आइटम, डेकोरेटिव आइटम, सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कहते हैं कि यहाँ पर जो भी सामान बेचने वाले हैं वो सारे गांव से आते हैं। गांव से शायद वो इसी उम्मीद में निकलते हैं कि कुछ यहाँ पर आके पैसे वो कमा लेंगे, ताकि उनकी भी दिवाली काफ़ी अच्छी हो। दिवाली तो खैर बीत गई है, पर आगे का गुजारा भी तो उन्हें करना होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कहीं पर ऐसे मेले पर जाएं, तो आप भी इन लोगों से कुछ ना कुछ सामान ज़रूर खरीदें, ताकि इनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो आगे हम आपको ले जा रहे हैं हमारे यहाँ के सबसे प्राचीन मंदिर की तरफ, जो कि शिव शक्ति मंदिर है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर शिवलिंग की बहुत ही बड़ी स्थापना की गई है। इस शिवलिंग का आकार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है आज के दिन। यहाँ पर चंडी माता की पूजा की जाती है। एकादशी के दिन हमारे यहाँ पर चंडी माता की विशेष पूजा की जाती है। कहा जाता है शाम को यहाँ पर ग्वाले भी आते हैं, जो कि माता के सामने विशेष अर्चना करते हैं। तो आइए मंदिर के अंदर चलते हैं। ये है अति प्राचीन पीपल का वृक्ष। यहाँ पर शनि भगवान की मूर्ति भी स्थापित की गई है और इसी के जस्ट बाजू में चंडी माता की मूर्ति है, जो कि बहुत ही पुरानी है। तो आप यहाँ पर मंदिर देख सकते हैं पूरा, और आप ही मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर में मांगी गई हर इच्छा ज़रूर पूरी होती है, तो आप ही भोले बाबा से अपनी इच्छा रखें। ये प्रतिमा गणेश जी की है, ये भी बहुत पुरानी है, और ये गणेश जी की प्रतिमा एकदम मंदिर के शुरू से ही यहाँ पर स्थापित है। ये दुर्गा जी माता की मूर्ति है और ये माता की छोटी प्रतिमा है, जो कि बहुत पुरानी है। यहाँ पर माता का रोज श्रृंगार किया जाता है और नवरात्रि में इनका विशेष श्रृंगार किया जाता है। ये प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, ये माँ काली की प्रतिमा है और ये स्वयंभू प्रतिमा है। ये ज़मीन से मिली थी, ये किसी ने बनाई नहीं है। तो ये है हमारे यहाँ का शिव मंदिर। यहाँ नंदी महाराज भी स्थापित हैं और बजरंगबली भी स्थापित है। आप सभी कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें, जय हनुमान लिखना ना भूलें। तो ये है हमारे यहाँ की चंडी माता की पूजा, जो कि विशेष लोगों के द्वारा की जाती है। यहाँ पर जो आप ये अलग ध्वनि सुन रहे हैं, ये साल में एक बार ही सुनने को मिलती है। ये क्यों ऐसी ध्वनि निकाली जाती है, ये तो मुझे भी नहीं पता, बट इसी ध्वनि से इन माता की पूजन की जाती है और ये ध्वनि तब तक चलेगी जब तक माता की पूजा पूरी नहीं हो जाती। ये जैसे ही मेला भरता है तब तक ये ध्वनि चलती रहती है और ये कंटिन्यू, ये भैया उनको बजाते रहते हैं, ये जो खड़ताल बजा रहे हैं ये कंटिन्यू बजती रहती है, और ये जब तक पूरी मेला, पूरा चंडी का मेला समाप्त नहीं हो जाता तब तक ये बजती रहेगी। ये माता की मूर्ति है
यहाँ पर जितने भी भक्त हैं वो अपने इच्छा अनुसार प्रसाद चढ़ा सकते हैं। तो मंदिर के दर्शन के बाद मैं आगे का मेला घूमने के लिए निकल गई। ये मेला बहुत दूर तक लगता है बट मैंने पूरा मेला तो नहीं घूमा। यहाँ देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर डेकोरेटिव आइटम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे काली जी की मूर्ति है, लक्ष्मी गणेश जी हैं, मिट्ठू है, शेर है, माता की चुन्नी है, माता का श्रृंगार का सामान है, और नारियल, बताशे और पेठे, मिठाइयाँ, वो आप देख रहे हैं आगे तक पूरा मड़ी का मेला भरता है और ये बहुत ही बड़ा भराया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ लोग सिंघाड़े बेच रहे हैं, ये सब सारे लोग ये गांव से ही आते हैं, यहाँ के लोकल लोग बहुत कम रहते हैं यहाँ पर, और नई नई चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है जो अमूमन शहरों में देखने को नहीं मिलती। ये सारे पीतल के आइटम हैं और यहाँ पर ये माता सिंघाड़े बेच रही हैं और ये भैया यहाँ पर खजूर, पेठे और बताशे वगैरह बेच रहे हैं। यहाँ दिए रखे हुए हैं और ये विशेष पूजा की पुड़िया है जो इसी दिन चढ़ाई जाती है। इसमें चने की भाजी रहती है, कचरिया रहती है और फ्रासबीन रहती है और सिंघाड़े और शकला और भी जो जो आइटम आपको चढ़ाने हैं वो चढ़ा सकते हैं। तो ये सारे खिलौने यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, ये सारे बच्चों के खिलौने। ये पर्स आप देख सकते हैं, ये गुल्लक है, ये सारे गुल्लक हैं। हाथी भी आपको मिल जाएंगे, मोर भी मिल जाएंगे, इतने सुंदर सुंदर आइटम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मन तो करता है सारे ले जाऊँ लेकिन सब तो नहीं ले जा सकते, तो कुछ एक आइटम मैंने यहाँ से ख़रीदे थे जिनमें से थी एक गुल्लक। और इतने सुंदर सुंदर यहाँ पर सारे जानवरों के छोटे छोटे मूर्तियाँ, ये गुड़िया है, बहुत सुंदर लग रही थी ये गुड़िया, और मिट्ठू, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आगे की आप क्लिप्स देखें और वीडियो को एंजॉय करें। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। ये सारे डेकोरेटिव आइटम आप अपने घर पर रखेंगे तो वो बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। ये कुछ अलग टाइप की गुड़िया है। रात में चूंकि बहुत भीड़ हो जाती है इसलिए मैं दिन में ही ये मेला घूमने के लिए आ गई। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।